नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सेन नव भारती परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज की कविता प्रभो, जिसकी रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी। तो आइए कविता पर चलते हैं और पढ़ते हैं इस कविता को, जयशंकर प्रसाद जी की कविता। लेकिन कविता को पढ़ने से पहले आप जानते हैं हम क्या काम करते हैं। कविता को पढ़ने से पहले हम कवि के बारे में चर्चा करते हैं, कवि का परिचय जानते हैं, कवि की रचनाओं के बारे में जानते हैं, उसके बाद पाठ परिचय अर्थात कवि परिचय, और फिर हम कविता पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पहले कवि परिचय जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। हम सभी जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, छायावाद युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, छायावाद के प्रवर्तक हैं ये जयशंकर प्रसाद जी। और छायावाद के जो चार प्रमुख स्तंभ है, उन चार प्रमुख स्तंभों में से एक है हमारे जयशंकर प्रसाद जी। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। इनका जन्म माघ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 1946 अर्थात सन 30 जनवरी 1889 में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान इनका है वाराणसी, जो कि है उत्तर प्रदेश में, वाराणसी जो कि है उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था और हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना इन्होंने ही की थी। इनकी सर्वप्रथम छायावादी रचना खोलो द्वार सन 1914 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इंदु समाचार पत्र भी इन्होंने, पत्रिका थे, इन्होंने खुद ने प्रकाशन कार्य शुरू किया था इसका। तो इंदु पत्रिका में सर्वप्रथम छायावादी रचना जो थी वो इनकी वो थी खोलो द्वार, जो कि 1914 में प्रकाशित हुई थी। करुणालय हिंदी की गीति नाट्य का आरंभ करने वाली रचना मानी जाती है। प्रश्न आता है नेट जेआरएफ या फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनके अंदर ये प्रश्न किया जाता है कि हिंदी के गीति नाट्य का आरंभ किस रचना से माना जाता है या किस कवि की रचना से माना जाता है। तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना करुणालय से गीति नाट्य का आरंभ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। इंदु प्रसाद जी द्वारा संपादित मासिक पत्रिका साहित्य जगत की, साहित्य जगत में यहीं से इन्हें पहचान मिली। इंदु जो मासिक पत्रिका है, मासिक पत्रिका मतलब महीने में एक बार जो पत्रिका आती है उसे मासिक पत्रिका कहते हैं, मासिक यानी महीने में एक बार। तो इंदु पत्रिका के संपादक कार्य से ही इन्हें प्रसिद्धि मिली थी और साहित्य जगत में इन्हें जो पहचान मिली, किन्हें, हमारे प्रसाद जी को जो पहचान मिली वो यहीं से मिली थी। इनका निधन 15 नवंबर 1937 को हो गया। काव्य रचना आरंभ इन्होंने ब्रज भाषा में की थी। इन्होंने जो रचना लिखना प्रारंभ की थी, कौन सी भाषा से लिखना शुरू किया था, ब्रज भाषा से लिखना शुरू किया था। प्रमुख काव्य रचनाएं इनकी चित्राधार, काव्य रचनाएं इनकी कविताओं से संबंधित जो रचनाएं हैं वो चित्राधार, कानन कुसुम जो हम प्रभो कविता आज पढ़ने वाले वो इसी काव्य संग्रह से ली गई है। महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कामायनी सब इनकी प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ माना जाता है। कामायनी के अंदर मनु, ईड़ा और श्रद्धा के बारे में वर्णन किया गया है। उन्होंने मतलब जो हमारे जयशंकर प्रसाद जी है इनकी साहित्य को अनूठी देन माना जाता है कामायनी को, ठीक है। प्रेम पथिक, करुणालय और उर्वशी ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। इनके प्रमुख नाटक, ना केवल इन्होंने कविताएं लिखी, इन्होंने नाटक, उपन्यास, एकांकी हर क्षेत्र में अपना योगदान हिंदी साहित्य के अंदर दिया है। प्रमुख नाटक है इनके अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाम यज्ञ, राज्यश्री, कामना और एक घूंट, ये इनके क्या है, प्रमुख नाटक है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने उपन्यास कौन कौन से लिखे, इन्होंने तीन उपन्यास लिखे थे जिनमें कंकाल, ईरावती और तितली, कंकाल, तितली और ईरावती। ईरावती लिखते समय इनका निधन हो गया था इसीलिए ये रचना अधूरी रह गई थी, अपूर्ण है। कंकाल नागरिक सभ्यता का अंतर यथार्थ उद्घाटित किया गया है, जो कंकाल कंकाल उपन्यास है इसके अंदर इन्होंने नागरिक सभ्यता का अंतर यथार्थ चित्रित किया है। तितली में ग्रामीण जीवन के सुधार के संकेत दिए गए हैं और ईरावती ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया अधूरा उपन्यास जो रोमांस के कारण ऐतिहासिक रोमांस के उपन्यासों में विशेष स्थान रखता है।
कहानियां इन्होंने कुल 72 कहानियां लिखी। आपने पढ़ी भी होगी छोटा जादूगर, हमें 8वीं कक्षा में भी ये देखने को मिली थी, 9वीं कक्षा में भी हमें ये देखने को मिली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्राम प्रसाद जी की पहली कहानी जो कि सन 1910 में प्रकाशित हुई थी, पहली कहानी ग्राम 1910 में इन्होंने लिखी थी और 1912 में इंदु पत्रिका में ये प्रकाशित हुई थी। इनके प्रमुख कहानी संग्रहों में छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, पुरस्कार, गुंडा, सालवती, मधुआ और छोटा जादूगर। मैंने बताया था अभी आपको कि छोटा जादूगर कहानी हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने पुरस्कार कहानी भी पढ़ी है। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां इन्होंने अपनी लिखी है। प्रमुख निबंध इनके कौन कौन से हैं, हमने काव्य पढ़ लिया, इन्होंने कौन कौन से काव्य लिखे, नाटक पढ़ लिया, कहानी पढ़ ली, उपन्यास पढ़ लिए। अब क्या है हमारे निबंध, जिनमें सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, प्राचीन आर्यवर्त और उसका प्रथम सम्राट, ये ऐतिहासिक नाटक, ऐतिहासिक क्या है हमारे निबंध है, इतिहास से संबंधित निबंध है। और काव्य कला अलंकार रूप और काव्य कला इनका मुख्य निबंध संग्रह है। इसके अलावा इन्होंने अलंकार कौन कौन से प्रयोग में लिए अपनी रचनाओं के अंतर्गत, देखिए रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, संदेह और विरोधाभास अलंकार का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर किया है। आगे बढ़ते हैं। इनका उपनाम छायावाद का ब्रह्मा इन्हें कहा जाता था, छायावेद, छायावाद जो था हमारा, उसके त्रिदेव कौन कौन थे, उन त्रिदेवों में हमारे कौन आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, तो उन त्रिदेवों के अंदर कौन था हमारे, जो जयशंकर प्रसाद जी थे, इन्हें ब्रह्मा की उपाधि दी जाती है। तो कामा ये हमारे जो छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद जी को, विष्णु कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत जी को, और महेश कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। आगे बढ़ते हैं। इतिहास दर्शन धर्म शास्त्र और पुरातत्व के प्रकांड विद्वान कौन माने जाते थे, जयशंकर प्रसाद जी माने जाते थे। मूलतः ये सौंदर्य एवं प्रेम के कवि माने गए हमारे जयशंकर प्रसाद जी। इनके पुरस्कार कौन कौन से मिले थे, इन्हें कामायनी पर जो इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है उस पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था। कामायनी काव्य क्षेत्र में कीर्ति का मूल आधार माना गया है और खड़ी बोली का अद्वितीय महाकाव्य माना गया है और इसके अंदर मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचना की गई है। ठीक है, मतलब जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनकी प्रसिद्धि का आधार क्या है, यानी हिंदी साहित्य को उनकी अनूठी देन है कामायनी, जिसमें उन्होंने मनु और श्रद्धा के बारे में बताया है। मनु और श्रद्धा से उन्होंने मानवीय संवेदनाओं का वर्णन किया है, 15 सर्ग इसमें है। ठीक है, और काव्य क्षेत्र में कीर्ति का मूल आधार है खड़ी बोली का महाकाव्य, हम कामायनी को मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कामायनी को सुमित्रा नंदन पंत जी ने हिंदी में ताजमहल के समान माना है। ताजमहल की संख्या किसने दी है, सुमित्रा नंदन पंत जी ने दी है कामायनी को। हमारी जो कौन जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी अर्थात वह तत्सम भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में करते हैं। तत्सम संस्कृत निष्ठ भाषा, संस्कृत के वे शब्द जिनका बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग हमारी हिंदी भाषा में किया जाता है वे तत्सम शब्द कहलाते हैं और उसी भाषा का प्रयोग हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं के अंतर्गत किया है। इनकी कहानियों में राष्ट्र प्रेम की भावना का बढ़ चढ़कर वर्णन किया जाता है, किया गया है और हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककारों में एक हमारे जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है। इनकी नाटकों की संख्या कुल 13 है, जिनमें से 8 तो ऐतिहासिक है अर्थात इतिहास की घटनाओं से संबंधित है, 3 पौराणिक है अर्थात 3 नाटक इनके पुराणों से संबंधित है और 2 भावात्मक नाटक इनके हैं। 13 नाटक इन्होंने कुल लिखे हैं, जिनमें से 8 नाटक तो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक घटनाओं पर संबंधित है, 3 जो है वो पुराणिक कथाओं से संबंधित है, पुराणों से संबंधित है और 2 नाटक जो है वो भावात्मक से, भावनात्मकता से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारी कविता प्रभु। हमने पढ़ा कवि परिचय और कवि की रचनाओं के बारे में,
अब हम पढ़ रहे हैं कविता प्रभु। ये जो प्रभु कविता है ये कवि ने कानन कुसुम संग्रह में लिखी थी और यहाँ पर हमारे जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है। हमारे पास प्रसंग आता है लिखने के लिए तो हम यही लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता प्रभु कवि जयशंकर प्रसाद जी की रचना कानन कुसुम से ली गई है, जिसके अंदर कवि ने ईश्वरीय सत्ता का महत्व बताया है कि ईश्वर प्रत्येक प्रकृति के प्रत्येक तत्व में उपस्थित है। अगर ईश्वर को आपको देखना है तो प्रकृति के तत्वों को देखिए। छायावाद के अंदर जो कवियों ने वर्णन किया है वो प्रकृति का वर्णन किया है पूरा पूरा। प्रकृति प्रेम बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है छायावादी कवियों के रूप में। छायावादी कवि में श्रेष्ठ यानी जो प्रवर्तक है हमारे छायावाद के वो कौन थे? जयशंकर प्रसाद जी थे। तो जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता में प्रकृति प्रेम के बारे में बताया है, प्रकृति के तत्वों में ईश्वर की झलक इन्होंने दिखाई है। आइए पढ़ते हैं कैसे, देखिए। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। अब यहाँ पर कवि ने क्या बताया है देखिए कि विमल, विमल का मतलब होता है स्वच्छ या निर्मल, ठीक है। इंदु का मतलब क्या होता है? चंद्रमा, ठीक है। विशाल मतलब फैला हुआ विस्तृत। प्रकाश तेरा बता रही है अनादि, जिसका प्रारंभ ना मालूम हो, शुरुआत नहीं पता होती है ना, जिसका प्रारंभ नहीं पता होता, ठीक है। आनंद, जिसका कोई अंत नहीं होता। और इस प्रकार कवि वर्णन कर रहे हैं, कवि बता रहे हैं कि विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। कवि वर्णन कर रहे हैं यहाँ कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, ये जो स्वच्छ चंद्रमा है, इसकी जो चांदनी है, इसकी जो किरणें हैं, ये आपके विस्तृत प्रकाश को बता रही है। अर्थात जहां जहां इसका फैलाव हो रहा है, जहां यहां तक चंद्रमा की चांदनी जा रही है, वो चंद्रमा के प्रकाश के रूप में, चंद्रमा की चांदनी के रूप में चारों ओर आपकी लीला का गुणगान कर रही है। यानी ये बता रहा है कि ईश्वर का जो प्रसार है, ईश्वर का जो विस्तार है, वो बहुत दूर तक फैला हुआ है। उसका कोई ना तो प्रारंभ है और ना ही उसका कहीं अंत है। हे ईश्वर, तुम्हारी माया का ना तो प्रारंभ का पता है, ना ही उसके अंत का ही पता है। कवि यहाँ पर क्या वर्णन कर रहा है कि ईश्वर की ना तो आरंभ का पता है, ना ही उसके अंत का पता है। कोई नहीं जान सकता कि ईश्वर कैसा है, किसी ने भगवान को नहीं देखा है। हम अपनी कल्पना दृष्टि के आधार पर उस ईश्वर का आकार बना रखा है हमने, और उसी आकार के आधार पर हम ईश्वर को देखते हैं, पूजते हैं, स्मरण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कवि ये बता रहा है कि हे ईश्वर, आपके ना तो आरंभ का मालूम है, ना ही आपके अंत का मालूम है। अर्थात आपकी जो माया है या आपका जो स्वरूप है वो अनादि है, अनंत है, और आपका जो विस्तार देखना है, आपकी जो प्रकाश है वो किसके रूप में बताया जा रहा है यहाँ? चंद्रमा की किरणों के रूप में, स्वच्छ और निर्मल चंद्रमा अपनी किरणों के माध्यम से आपके प्रकाश को बता रहा है। ये जो संसार में फैले हैं जितना भी प्रकाश है, ज्योतिपुंज है, ये आपका ही स्वरूप है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। संसार में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, इन सब क्रियाओं को करने वाले आप ही हैं। हे प्रभु, इस संसार में जो भी लीलाएं हो रही है वो सभी की सभी आपकी माया है। इसीलिए इस जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करना चाहिए, दुखों में डूब कर इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना है, तो देखे सागर तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। अब यहाँ पर कवि वर्णन कर रहा है कि हे ईश्वर, आप कितने दयालु हैं, आप कितने दयालु हैं, और इसे देखना हो तो लोग सागर को देखें। यानी ईश्वर की दया का प्रसार यदि किसी देखना है, ईश्वर हर व्यक्ति पर दया करते हैं, उनके मन में दया का भंडार भरा हुआ है, इसलिए उन्हें दया निधि कहा जाता है, दया का सागर कहा जाता है। और प्रभु की दया का सागर या प्रसार जिसे देखना हो, समुद्र को देखे, क्योंकि समुद्र भी बहुत विस्तृत होता है, और उस विस्तृत समुद्र के अंदर किसी को भी प्रवेश करने का कोई मतलब किसी प्रकार की कोई बंधन नहीं होता है, वो हर किसी को
एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, ऐसे ही हमारे प्रभु है, परमात्मा है, ईश्वर है, जो दया के भंडार है, वो प्रत्येक जीव के ऊपर अपनी दया दिखाते हैं, अपना कृपा दृष्टि जो है वो प्रत्येक जीव पर बनाए रखते हैं। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है प्रभु, इस सागर में जो लहरें उठती गिरते स्वर कर रही है, यानी समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, वो लहरों का ऊपर चढ़ना फिर लहरों का उतरना, तो उस समय जो ध्वनि हो रही है, उस समय जो आवाज आ रही है, वो आवाजें ऐसा लग रहा है कि है प्रभु वो आपके ही, आपकी प्रशंसा के राग गा रही है, यानी आपकी प्रशंसा के गीत वो गा रही है। कौन? तरंग मालाएं, अर्थात सागर में उठती गिरती जो लहरें हैं, वो लहरों की ध्वनियां जो है, वो ऐसा प्रतीत होता है, हे परमात्मा, हे प्रभु, वो लहरें आपकी प्रशंसा के गीत गा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। अब यहाँ पर कवि ने बताया है कि स्मित, स्मित का मतलब क्या होता है? मुस्कान। स्मित का मतलब क्या होता है? मुस्कान। यहाँ पर कवि कह रहा है कि जिसे भी ईश्वर की मुस्कान देखनी हो, मुस्कुराते हुए ईश्वर को जिसे देखना हो, वो चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है। जितनी स्वच्छ, निर्मल और सुंदर चंद्रमा की चांदनी होती है, वैसे ही हमारे परमात्मा, हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर की मुस्कान होती है। तो जिसे भी ईश्वर का मुस्कुराना देखना हो, मुस्कान देखनी हो, वो रात्रि में चंद्रमा की चांदनी को निरख सकता है, देख सकता है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही हैं। निनाद क्या होता है? नदियों का जो कल कल स्वर होता है, अर्थात नदियों के बहने की जो ध्वनि होती है, वो क्या कहलाता है? निनाद कहलाता है। नदियों का कल कल करके बहना क्या कहलाता है? निनाद कहलाता है। ठीक है, तो जिसे भी प्रभु के हंसने की ध्वनि का आभास करना है, जिसे मुस्कुराते हुए ईश्वर को देखना है, वो तो चंद्रमा की चांदनी को देखे, और जो भी प्रभु के हंसने की ध्वनि सुनना चाहता है, आभास करना चाहता है ध्वनि का, तो वो बहती हुई नदियों के कल कल करते स्वर को सुने, वो ईश्वर की हंसने का, ईश्वर की हंसने की ध्वनि का आभास यहाँ कराते हैं। ठीक है, तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती ही जा रही है, हे ईश्वर, आपके मुस्कुराने की ध्वनि के रूप में ये जो नदियां हैं निरंतर बह रही है, निरंतर आपकी हंसने की ध्वनि का आभास करा रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे कभी वर्णन कर रहा है कि विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, तो तार कागज की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। अब यहाँ पर कवि ने कहा है कि जिसको भी, सबसे पहले देखिए, विशाल यानी बड़ा, यामिनी अर्थात रात्रि रात, दीपमाला यानी दीपकों की, दीपों की पंक्तियां, माला यानी पंक्ति, ठीक है, तारकागण तारों का समूह, तारों का समूह, ठीक है। अब यहां पर कवि क्या कह रहा है? कवि ये कह रहा है कि जिसको भी रात्रि में भगवान के दर्शन करने वाले, अधिकतर हम देखते हैं कि रात्रि में भगवान के पट जो मंदिर है वो बंद कर दिए जाते हैं, ईश्वर भी सो जाते हैं रात्रि में, जैसे हम लोग सोते हैं ऐसे भगवान भी सोते हैं। तो कवि ने यहाँ ये बोला है कि जिसको भी विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, जिसे भी भगवान के रात्रि में दर्शन करने हो दीपकों के बीच में, जैसे दिवाली पर रात्रि में दिए जलाए जाते हैं, दियाबत्ती जो संध्या टाइम होता है, शाम का टाइम होता है, उस समय दिए जलाए जाते हैं और उन दियों के अंदर परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है। तो यहाँ पर यही कह रहा कवि कि जिसको भी रात्रि में दीपकों के प्रकाश में ईश्वर के दर्शन करने हो, तो वो देख सकता है तारकागण की ज्योति उसका पता अनुभव बता रही है, रात्रि में विशाल आसमान में चमकते हुए तारों के बीच में उस ईश्वर का आभास किया जा सकता है, उस ईश्वर की
उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। कैसे? तारका गणों की ज्योति उसका पता उठा बता रही है, ये जो रात्रि में तारे चमक रहे हैं काले काले आकाश के अंदर, तो काले काले आकाश में चमकते हुए तारे उस ईश्वर की ज्योति का पता बता रहे हैं, यानी उनका जो चमकना है, उनका जो प्रकाश है, वो ईश्वर की ही देन है, ईश्वर की ही ज्योति की देन है, ये कवि यहाँ पर बता रहे हैं। आगे है, प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशु माली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। अब यहां पर कवि ने क्या वर्णन किया है, देखिए, प्रकृति पद्मिनी, पद्मिनी कहते हैं कमलिनी को, किसे कहते हैं, कमलिनी को, ठीक है, और अंशुमाली कहते हैं सूर्य को, ठीक है, धरा कहते हैं पृथ्वी को, और असीम कहते हैं जिसका कोई अंत, जिसकी सीमा का ना पता हो, जिसकी सीमा ना हो। अब कभी यहां पे क्या वर्णन करते हैं कि हे प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो, कि प्रेम रूपी प्रकाश भी आप ही हो, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक प्राणी के अंदर जो प्रेम रूपी भाव होता है वो उसके प्रकाशक कौन हो, हे प्रभु आप ही हो, हे ईश्वर, हे परमात्मा, इस प्रेम रूपी प्रकाश भी आप हो। प्रकृति पद्मिनी के अंशु माली, प्रकृति रूपी पद्मिनी जो है, प्रकृति रूपी कमलिनी जो है, उसको विकसित करने वाले सूर्य भी आप ही हो, यानी कमलिनी को विकसित होने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, वैसे ही हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो धरा है, हमारे जो मतलब जितनी भी प्रकृति के तत्व है हमारे, उनको, उनका पालन पोषण करने वाले, उनको विकसित करने वाले सूर्य रूपी अंशुमाली, जो अंशुमाली है वो कौन है, हे प्रभु आप ही है। जिस प्रकार सूर्य चराचर जगत का पालन पोषण करता है, ऐसे इस प्रकृति के पालन पोषण आप ही है। असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर जता रही है, धरा बराबर बता रही है। तो ये जो जिसकी कोई सीमा नहीं है, इस पृथ्वी पर इतने उपवन फैले हुए हैं, अर्थात इस पृथ्वी रूपी, इस पृथ्वी के रूप में जो उपवन यहाँ फैले हुए हैं, इसका पालन पोषण करने वाले, इसके रक्षक, इसको विकसित करने वाले, इसका संरक्षण करने वाले भी हैं प्रभु आप ही हैं। और इस बात का पता कौन बता रही है, ये धरा, ये पृथ्वी बराबर इसका प्रमाण दे रही है कि इस प्रकृति का पालन पोषण करने वाले, इस धरती का पालन पोषण करने वाले, रक्षा करने वाले, इसको विकसित करने वाले है प्रभु आप ही है। कौन बता रही है, धरा बराबर बता रही है। अब देखिए, प प प, जहां पर समान वर्णों की आवृत्ति होती है, कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, यहाँ पे प, यहाँ पे प और यहाँ पर प, फिर यहाँ पर प और यहाँ पर भी प, यहाँ पर ब और ब, ब और ब, समान वर्णों की आवृत्ति हो रही है, कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त प्रकृति पद्मिनी, प्रकृति पद्मिनी और प्रेम में प्रकाश, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, और प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो तेरी होवे दया दयानिधि, जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार के यही तो आशा दिला रहे। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं, यहाँ पर कवि वर्णन कर रहे हैं कि हे प्रभु अगर आपकी दया हो, हे दया के सागर, दया निधि अर्थात दया के सागर, दया निधि अर्थात दया के भंडार, दया के सागर, हे दयानिधि, हे दया के सागर, हे दयालु परमात्मा, यदि आपकी दया हो, यदि आपकी कृपा दृष्टि हो, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, मनोरथ यानी मन की इच्छा, मन की इच्छा, हे परमात्मा यदि आप दया करें, यदि आपकी कृपा हमारे पर हो जाए, तो मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होता है, मन की इच्छा, मन की कामना अवश्य ही पूरी होती है, सभी ये कहते पुकार
विचार करके यही तो आशा दिला रही है और यही बात हमारी जो पृथ्वी है मतलब हर व्यक्ति हर प्राणी इस बात को स्वीकार करता है कि यदि परमात्मा दया करते हैं, यदि परमात्मा कृपा बरसाते हैं, यदि उस दया के भंडार की दया हो जाती है तो ये जीवन सफल हो जाता है, ये जीवन हमारा मुक्त हो, हम जीवन से मुक्त हो जाते हैं, हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां बढ़ जाती है, दुखों का कहीं हमारे जीवन में जगह नहीं रहती है। हे दया के सागर, यदि आपकी दया हो जाती है तो प्रत्येक मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, मन की हर इच्छा पूरी हो जाती है। सभी लोग यही पुकार करके कहते हैं कि हे प्रभु, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, हम पर अपना दया का भंडार हमेशा खोले रखिएगा, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहिएगा। तो ये थी हमारी कविता प्रभो। कैसी लगी आपको कविता हमारी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।